हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह, स्मार्ट स्टडी विद देव में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? सभी बढ़िया रहे, अच्छे से रहें। कोरोना काल में जितना हो पाए सेल्फ स्टडी करें, राइट। आज हम आपके सामने इकोनॉमी का नेक्स्ट वीडियो लाने जा रहे हैं, और इकोनॉमी का जो नेक्स्ट वीडियो है वो है विकासशील अर्थव्यवस्था पे, डेवलपिंग इकोनॉमी पे, राइट। हम इसकी आपको परिभाषा बताएंगे, इसको कितने श्रेणियों में बांटा गया है, उससे संबंधित चीज और उसके उदाहरण, राइट। आते हैं हमने पॉइंट भी माफ करिएगा, विकासशील अर्थव्यवस्था डेवलपिंग इकोनॉमी। विकासशील अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक समृद्धि के उच्चतर स्तर प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। विकासशील अर्थव्यवस्था का मतलब वह देश, वह राज्य, वह शहर जो आर्थिक समृद्धि के उच्चतर स्तर प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, जिसके द्वारा उन्हें हम विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे हम गरीब हैं, हमारे पास 10 रुपया, फिर 50 रुपया, मेहनत कर रहे हैं 100 रुपया, फिर 200 रुपया, फिर 500 रुपया, धीरे 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 अपने आप को मैं उच्चतर स्तर पर लाने का प्रयास कर रहा हूँ कि महीने में मैं 10 रुपया कमाता था, अब हमें महीने में 10,000 रुपया कमाना है। फिर धीरे धीरे 2 साल 4 साल 5 साल बाद मुझे 10 लाख रुपया महीने का कमाना है, ठीक। तो उसी तरह विकासशील अर्थव्यवस्था में वह देश जो अपने आर्थिक स्तर को बढ़ाने का उच्चतर प्रयास करता रहता है वह विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाता है, राइट। तो विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इसको दो भागों में बांटा गया, दो श्रेणियों में बांटा गया। पहली श्रेणी निम्न मध्यम आय वर्ग, दूसरी श्रेणी उच्च मध्यम आय वर्ग। निम्न मध्यम आय वर्ग के अंतर्गत कहा गया कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय $1,026 से लेकर $1,026 से ज्यादा एवं $3,995 प्रति व्यक्ति आय हो, प्रति व्यक्ति आय हो, यह निम्न मध्यम आय वर्ग के अंतर्गत बताया गया। उच्च मध्यम आय वर्ग में बताया गया कि जिन लोगों की प्रति व्यक्ति आय $3,996 से ज्यादा एवं $12,375 तक है, क्या प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय $12,375 है, वह उच्च मध्यम आय वर्ग के अंतर्गत आएगा। विकासशील अर्थव्यवस्था का अर्थ है कुछ लोगों की आय बहुत है, कुछ लोगों की आय निम्न है। तो एक रेशियो बना दिया गया विश्व बैंक के अनुसार, जिनकी आय $1,026 से लेकर $3,995 तक है, $3,995 तक है, वह निम्न मध्यम आय वर्ग के अंतर्गत आएगी प्रति व्यक्ति आय, और उच्च मध्यम आय वर्ग के अंतर्गत $3,996 से लेकर $12,375 तक प्रति व्यक्ति आय होगी, वो उच्च मध्यम आय वर्ग तक आएंगे, करेक्ट। समझ में आया? अगला पॉइंट, अगर बात की जाए विकासशील अर्थव्यवस्था की, जो परिभाषा दी गई इसको श्रेणियों में बांटा गया, सारे पॉइंट नोट करते चलिएगा, और आपको मैं पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पे अपने। कुछ फॉल्ट होने की वजह से मैं अभी नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, राइट। आते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वह कौन कौन से देश हैं जो विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, तो बात करते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो देश आते हैं, तो विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो देश आते हैं उदाहरण स्वरूप, तो सबसे पहला भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ये प्रमुख देश जो है विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था इन प्रमुख देशों में ज्यादातर पाई जा रही है, पाई गई है, करेक्ट। तो वीडियो आपको जैसी भी लगी हो विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें,
और हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद्या को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और अपने साथ साथ अपने मित्रों दोस्तों को भी जरूर सजेस्ट करें एक बार कि सर का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखें। आपको हर सब्जेक्ट से संबंधित आपको इसकी में वीडियो मिल जाएगी जीएस से संबंधित, और जिन लोगों को हमारी पुरानी वीडियो देखनी है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी करेंट अफेयर्स यूपीएस स्पेशल इकोनॉमी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, जिससे आप उसे पढ़ के नोट्स भी बना सकते हैं, राइट। और जो भी दिक्कत समस्या हो आप हमसे जरूर कमेंट बॉक्स में कहें, और ज़्यादा दिक्कत है तो कोई भी व्यक्ति से फोन से बात कर सकता है, ये मेरा नंबर है। जो भी समस्या हो जो भी दिक्कत हो सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो से संबंधित आप उनसे बात कर सकते हैं और ना सुझाव दे सकते हैं, राइट। जैसे भी आपको वीडियो लगी आप जरूर जरूर ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, तो सभी लोग वीडियो पूरी तरह से देखें। धन्यवाद, नमस्कार।